मशरूम उत्पादन के जुनून ने पृथ्वी चंद को दिलाया प्रगतिशील किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार। बेटे बहू सहित सैकड़ों किसानों को भी दिखाई आत्मनिर्भरता की राह। एकीकृत बागवानी विकास मिशन बना सहायक। मशरूम को बच्चे की तरह पालना पड़ता है और बदले में यह हमें पालते हैं, यह कहना है भूतपूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसान राष्ट्रीय अवार्ड विजेता श्री पृथ्वी चंद का। भोरंज उपमंडल के मनोह गांव के रहने वाले पृथ्वी चंद बताते हैं कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 1998 में उन्होंने मशरूम उत्पादन की ओर रुख किया। प्रथम प्रयास में जितनी राशि इसके उत्पादन पर व्यय की आय उससे दो गुना मिली। इससे उनका हौसला और भी दो गुना बढ़ा और मशरूम की खेती को ही अपनी भावी जिंदगी का उद्देश्य मान लिया और समय समय पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। घर की छत पर क्यारियां बनाकर शुरू हुआ उनका सफर अब लगभग 60 टन प्रति वर्ष उत्पादन वाले शिव शक्ति मशरूम फार्म मनोह के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से 19 व 19 से 20 में उन्होंने इस इकाई की स्थापना के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विभिन्न घटकों में लगभग 30,60,000 रुपये का अनुदान प्राप्त किया। इनमें खुम्ब उगाने वाली इकाई पर 8,00,000 रुपये, मशरूम कंपोस्ट इकाई पर भी 8,00,000 रुपये, स्पेन इकाई पर 6,00,000 रुपये, ट्रैक्टर पर 3,00,000 रुपये, ट्रॉली पर 2,00,000 रुपये, बहुउद्देशीय रोलर पर 2,00,000 रुपये का अनुदान MIM योजना के अंतर्गत मिला। वर्ष 2017-18 में बोरवेल के लिए 90,000 रुपये तथा जल भंडारण टैंक के निर्माण पर 70,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। पृथ्वी चंद के निरंतर प्रयासों से प्रेरित होकर उनके बेटे संदीप ने भी इसी व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का विशेष तौर पर आभार भी व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि मशरूम उत्पादन का व्यवसाय नौकरी से कहीं अच्छा है और इस समय 30 से 35 लोगों को विप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हुए हैं। इस व्यवसाय में उनके पुत्र की धर्मपत्नी पूजा शर्मा भी उनका हाथ बटा रही है। पहले वह नजदीक के स्कूल में अस्थायी शिक्षिका के बतौर सेवाएं प्रदान कर रही थी। उनका युवाओं को संदेश है कि वे नौकरी के पीछे भागने के स्थान पर स्वावलंबन बने। उनकी इकाई में भी अधिकांश महिलाएं ही कार्यरत हैं। खुम्ब उत्पादन इकाई स्थापित होने से समीप के गांव की मधु शर्मा की भी जिंदगी बदल गई। वे यहां नौकरी के साथ साथ घर में मशरूम इकाई स्थापित कर परिजनों के सहयोग से इसका उत्पादन भी कर रही हैं। फार्म में ही कार्यरत एक अन्य महिला रजनी ने बताया कि पहले परिवार के गुजारे लायक आय भी बमुश्किल हो पाती थी, मगर घर के पास मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित होने से वे प्रति माह 7,000 से 8,000 रुपये कमा रही हैं। लगभग 150 किसान वर्तमान में इस इकाई के साथ जुड़े हुए हैं। उत्पादित मशरूम 100 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बीज से भी लगभग इतनी ही कमाई प्राप्त हो रही है। इसकी आपूर्ति स्थानीय बाजार के अतिरिक्त मंडी व कुल्लू जिला तक हो रही है। इस वर्ष 80 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उपनिदेशक उद्यान डॉक्टर सुरेश शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला में लगभग 120 मीट्रिक टन मशरूम पैदा किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः बटन मशरूम, ढींगरी व मिल्की मशरूम की फसलें उगाई जा रही हैं। हिमाचल खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में लगभग 32,00,000 रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं मशरूम स्पॉन का काम करती हूँ। हम बटन मशरूम और ओइस्टर मशरूम का स्पॉन तैयार करते हैं। पहले मैं अस्थायी तौर पर जॉब करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि फैमिली बिजनेस है तो मैंने भी वहीं पे सेव करना आवश्यक समझा। मैं हम यहाँ पे इंकलेशन करते हैं। ये लैमिनार मशीन है, इसके अंदर जो भी इंकलेशन का काम होता है वो इसके अंदर होता है। ये हमने स्पॉन स्टरलाइज करके रखा हुआ है, ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। इसमें हम मदर स्पॉन डाल के इससे कमर्शियल तैयार करेंगे। कमर्शियल के लिए रखा हुआ है। इस रूम में हमने यूवी लाइट्स भी लगाई हुई है ताकि यहाँ पे कोई भी स्पोर्स तैयार ना हो, जैसे ग्रीन मोल्ड वगैरह के स्पोर्स तैयार हो जाते हैं। आजकल तो वैसे भी मौसम है ग्रीन मोल्ड का, तो इसलिए हमने यूवी लाइट लगा के रखी हुई है ताकि जो भी स्पोर्स है वो खत्म हो जाए। इसके अंदर सारे प्रोसेस जो भी प्रोसेस करना है, जैसे हमने पहले यूज करने से पहले हम इसमें यूवी लाइट चला के रखते हैं, इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा स्पोर्स हो तो वो खत्म हो जाए। जब